जयंती महोत्सव के 9वें दिन महाराजा अग्रसेन के जीवन पर प्ले का मंचन। मुंबई से आए कलाकारों ने उत्तर भारत में पहली बार महाराजा अग्रसेन के जीवन को प्ले के माध्यम से दिखाया। समस्त अग्रवाल समाज पंचकुला की ओर से महाराजा अग्रसेन की 5177वीं जयंती पर मनाए जा रहे राष्ट्रीय स्तरीय महोत्सव के 9वें दिन महाराजा अग्रसेन के जीवन पर नाट्य रूपांतर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ संघ प्रचारक प्रेम जी गोयल ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अग्रोहा में टीले की खुदाई के आदेश दिए जाने पर उनका आभार जताया। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में मुंबई के फिल्मी कलाकारों की ओर से नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से महाराजा अग्रसेन के जीवन के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मुख्य अतिथि रहे और अध्यक्षता मेयर कुलभूषण गोयल ने की। महोत्सव की आयोजन समिति के संयोजक अमित जिंदल और आज के कार्यक्रम के इंचार्ज तेजपाल गुप्ता का कहना है कि युवा पीढ़ी में महाराजा अग्रसेन की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए नाट्य रूपांतर का आयोजन किया गया। उत्तर भारत में पहली बार महाराजा अग्रसेन की जीवनी पर इस तरह का नाट्य रूपांतर का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी तादाद में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी रही। नाट्य रूपांतर के प्रोड्यूसर योगेश अग्रवाल, डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता हैं, जबकि म्यूजिक सुरेश वाडेकर ने दिया है। नाटक में कुल 40 कलाकारों ने विभिन्न भूमिकाएं निभाई। कलाकारों ने 2.5 घंटे के अनूठे प्रोग्राम में दर्शकों के समक्ष महाराजा अग्रसेन की जीवनी को पेश किया। नाट्य रूपांतर के प्ले में सूत्रधार के रूप में मुकेश खन्ना ने आवाज दी है। और वहाँ संघ की शाह मैं संघ का प्रचार पूर्ण का तो वहाँ एक थे था जो उसकी खुदाई आज मोदी जी ने कहा है वो तो बहुत वर्षों से प्रयास कर बड़ी खुशी का फिर ये पर्व होगा पूरे समाज के लिए सारे समाज के लिए। और एक बात और जो बहुत सोचने की विचार करने की है कि वैश्य समाज केवल ही अग्रसेन का है ऐसा नहीं है। अग्रसेन जी ने इस धरती पर जो भी प्राणी मात्र है जी बिल्कुल यहाँ तक के उड़ते हुए पक्षियों के लिए कोई भी जीव है कीड़े मकौड़ों के लिए भी उनको भी जीवित रखना जियो और जीने दीजिए प्राणी मात्र का कल्याण हो इस आधार पर उन्होंने राज्य किया कि ये भारतीय संस्कृति है उसी संस्कृति के हम सब पालन आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे लिए प्रेरणा है। ये राष्ट्रीय स्तर का आयोजन यहाँ हुआ है और जिस तरह से पंचकुला अग्रवाल सभा ने आयोजित किया है क्या कैसा लगा? नहीं सर यहाँ किया है बहुत अच्छा है यहाँ सब लोगों ने मिलकर पूरे देश में हो रहा है जी। तो बड़ी खुशी की बात यह है कि केवल भारत में नहीं है दुनिया के 47 देशों में आज अग्रसेन जयंती मनाई जा रही है 47 देशों के तो अग्रवाल समाज वहाँ भी पहुँचा हुआ है जी। व्यापार के लिए किया एक निमित्त है उसका लेकिन समाज के लिए मैं हूँ। और सबसे बड़ी सोच क्या है कि जो अग्रवाल समाज का हर व्यक्ति सोचता क्या है कि मैं अपने लिए नहीं मैं अपनों के लिए जीता हूँ जो सारा समाज मेरा अपना है ये चिंतन जो है महाराज अग्रसेन से हमें प्रेरणा धन्यवाद जी। अमित जी जिस तरह से भारत सरकार ने फैसला लिया है और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष जो पंचकुला विधायक भी हैं उन्होंने भी भरसक प्रयास किया आखिरकार एक कामयाबी मिली है क्या कुछ देखते हैं इस फैसले को? जैसे कि जो अग्रोवा है हमारे हरियाणा प्रदेश में पड़ता है और इसके लिए जो कई वर्षों से प्रयास था पूरा अग्रवाल समाज और उसकी अगुवाई कर रहे थे हमारे पंचकुला के लोकप्रिय विधायक हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष अल्टीमेटली समस्त समाज के प्रयासों को माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी हरियाणा सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए सेंटर तक और वो माननीय नरेंद्र जी मोदी जी द्वारा जो कल हमें ये तोहफा दिया गया तो मैं समस्त अग्रवाल समाज की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा सरकार का और ख़ासकर हमारे लोकप्रिय विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये कार्य करके हमारा जो इतिहास है उसको युवाओं तक लेडीजों तक पूरे समाज तक पहुँचाने में हमारी मदद की। अतुल जी जिस तरह से पूरे देश में महाराज अग्रसेन जी की जयंती जो है धूमधाम से मनाई जा रही है और राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में आयोजित किया गया है क्या शुभकामनाएं इस अवसर पर पूरे प्रदेश को और देशवासियों को देना चाहिए? सबसे पहले तो महाराजा अग्रसेन जयंती सबको मुबारक हो। महाराज अग्रसेन का एक नियम था एक नोट और एक ई
जिस परंपरा पे हमारा अग्रवाल समाज चल रहा है, और ये जो पंचकुला में पिछले 4 या 5 दिनों में जो भव्य सम्मेलन चल रहा है और भव्य प्रोग्राम हुए हैं, उसमें हम सब ने, हमारे जो संसदीय परिवार है उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से पूरा योगदान दिया है। और श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी और श्री कुलभूषण जी ने जिस तरह से हमें सहयोग दिया वो बेहतरीन है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है। और हम सब ये चाहते हैं कि सब जितने भी हिंदुस्तान में जो भी प्राणी हैं जो रह रहे हैं वो हमारे जो महाराजा हैं उनकी नीतियों पे चलें और सारा समाज बराबर हो, जिसमें सब इक्वल हो, सबका भाईचारा हो और सब एक ईंट एक रुपए की परंपरा पे चले। और उसी के लिए ही हमारा जो समाज है सबसे आगे है और हम ये चाहते हैं समाज आगे से आगे बढ़ता रहे। जी देखिए, जिस तरीके से समाज है या देश है उसके विकास में हमेशा से अग्र समाज आगे रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या दान का। ऐसे जी मैं ना जी जितनी भी हिंदुस्तान में धार्मिक संस्थाएं हैं सब में जाता हूँ। अगर मान लो वैष्णो देवी जी हों, सालासर जी हों, साटूकाम जी हों, अयोध्या जी हों, जहाँ भी मेरा मन करता है मैं जाता हूँ, तो मुझे वहाँ जाकर ये महसूस होता है अग्रवाल समाज ने जो सबसे ज़्यादा दानपूर्ण, मतलब धर्मशालाओं में, हवन में या मेडिकल कॉलेज में, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा पश्चिम बिहार में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, जो आज से 20 साल पहले 100 करोड़ में तैयार होकर हुआ था और जिनमें डेली कम से कम 20 से 25 हज़ार आदमियों के लिए पूरी बड़ी सुविधा होती है। और हमारे यहाँ उससे बाद है सेक्टर 20 में जो हमारा चैरिटेबल हॉस्पिटल है पंचकूला में, इसमें 8 या 9 संस्थाएँ चल रही हैं चैरिटेबल की और जो 100% अग्रवालों की जो चल रही है। और उसमें हमेशा हमारे समाज का ये योगदान रहता है भाई, तो हमें ना भगवान ने देने के लिए बनाया है, हमारे समाज की सोचा भी हमने देना है और देने से चीज़ बढ़ती है। महालक्ष्मी का हमारे ऊपर प्रताप है और उससे अरन हम फलते हैं फूलते हैं। और इसलिए हम जब भी हिंदुस्तान में कहीं भी जाते हैं, अगर हिंदुस्तान ही, हिंदुस्तान से बाहर भी अग्रवाल समाज अपने धाम को पूरी नीयत से वो पूरा ढंग से निभाता है। और इसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल था पिछले कोविड के टाइम में जितना भी किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जी जिस तरह से आपकी पूरी संसदीय की टीम भी यहाँ मौजूद है, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस 10 दिन के महा आयोजन में रहा। संसदीय में जो हमारे जो मालिक हैं वो श्री उदित मित्तल जी हैं, उन्होंने जो भी हमें काम बोलते हैं हम उसे ना पूरा काम पूरा उनकी उसमें करते हैं। जो भी हमें इस 5 दिन के उसमें प्रोग्राम में हमें जो भी काम दिया उदित जी ने, वो हमने पूरे ढंग से निभाया और अच्छे ढंग से निभाया। और उदित जी हमेशा हमें गाइड करते हैं और वो हमें यही बोलते हैं जो भी करना है वो करना है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।